नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पहले रियलिटी फैक्ट्स के पहले एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे इंडिया के वोटिंग सिस्टम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है हाशिम, आप लोग देख रहे हैं और टेक्निक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। भाइयों बहनों, पहले एक अच्छी मुच्ची मुच्ची वाली बात सुन लो, वरना मैं आप लोगों को मार डालूंगा। क्या बात है कि आप हमारा पूरा वीडियो देखना, वरना मैं आप लोगों की जान ले लूंगा। ऐसा ही कुछ हमारा वोटिंग सिस्टम है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, करेंगे थोड़ी बहुत। चलिए तो सबसे पहले मैं आप लोगों की बातें करता हूँ कि आप लोग क्या करते हैं वोट करने के 2-3 दिन पहले, या वोट जीत जाने कोई भी पार्टी जीत जाए उसके बाद की बात है। कैसा हमारा है इंडियन वोटिंग सिस्टम? इंडिया का वोटिंग सिस्टम ऐसा है जिसमें आप लोग वोटिंग करने से पहले आप लोग सोचते हैं कि इस बार तो इसे जीत जाना चाहिए, बहुत अच्छा कार्य कर रहा था पहले, अभी भी करेगा, इसको ही जीतना चाहिए। दूसरा बोले नहीं, इस बार तो यही जीतना चाहिए। लेकिन हम कभी भी वोट देते नहीं हैं। मैं तो नहीं देता क्योंकि मैं बच्चा हूँ, नन्ना मुन्ना बच्चा हूँ, बच्चा हूँ। अभी मैं 18 साल का नहीं हुआ इसलिए वोट नहीं दे सकता, लेकिन आप लोग दे सकते हैं। तो कमेंट करना कि आप लोगों ने वोट दिया या नहीं, नहीं करना तो भी कोई बात नहीं है, मुझे पता है कि वो है। ऐसे कमेंट करने से दंगे बहुत होते हैं। तू क्यों इसको कहा, ऐसे बहुत सारे दंगे होते हैं, इसलिए कमेंट ना करो तो भी चलेगा। लेकिन ये वीडियो इतना शेयर करना कि आप लोगों को सही लगे तभी शेयर करना। चलिए तो आगे वोटिंग सिस्टम। अब आप बैठे घर बैठे पहले तो वोट के दिन के 2-3 दिन पहले डोस्ट देंगे, इस बार तो इसको जीतना है, इस बार तो जीतना। लेकिन आप वोट देने जाते नहीं, तो हमारे पास काहे का टाइम है, टाइम तो होता ही नहीं है, इस बार ये करो इस बार वो करो, और हमारे दुकानें कौन संभालेगा, हमारी कंपनियां कौन संभालेगा, हम लोग क्या खाएंगे क्या पिएंगे, हमारे पास टाइम ही ना है। जैसे कह के हद है, लेकिन आप लोग वो नहीं जानते कि आप एक वोट देने से आप के जो चाहेंगे कि हाँ ये जीतना चाहे वो जीत भी सकता है। इसलिए पहले तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाइए और वोट दीजिए अपने जो भी पसंद हो उन पार्टियों को। तो दूसरी बात अगेंस्ट के कि आपके साथ क्या होता है वो पार्टियों या दूसरे लोगों से। अब दूसरा, जैसे मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि आप लोगों ये वीडियो पूरी नहीं देखे तो मैं जान से मार दूंगा, ऐसे ही ये अगेंस्ट से होता है, आपके साथ हो सकता है या होता होगा पता नहीं। लेकिन ये पार्टियों को पैसे तो देते हैं, फिर यह पर्चियाँ बांटने जाते हैं, उसको वोट दो, उसके वोट दो, उसको वोट दो, और कॉल्स भी आते हैं। मैंने देखा 2-3 दिन नोटिस किया, इतने सारे कॉल आते हैं बीजेपी कांग्रेस, हेलो जी बोलो जी, आप इस बार प्लीज बीजेपी को वोट दीजिए, आप प्लीज इस बार कांग्रेस को वोट दीजिए। जैसे इतने ऐसा ही कुछ हमारा वोटिंग सिस्टम है इंडिया का कि एक दूसरे को पता नहीं क्या कौन क्या करता है कि इस बार इसको क्यों दिया, या अपने मन का कि मुझे तो मोदी पसंद है, उसके सिवा किसी को वोट दिया मुझे पता चला मार डालूंगा, ऐसा होता है। इसलिए ऐसा आप लोगों को ये सब कुछ सही लगे तो शेयर कर देना, वरना मत करना, आपकी मर्जी। और क्या होता है कि आप लोग वोट देने जाते हैं उसके पहले ये फोन आते हैं कि हाँ इस बार इसको देना, हेलो जी इस बार बीजेपी को देना, इस बार कांग्रेस को देना, या कई और पार्टी को, दूसरी पार्टी का नाम याद नहीं रहता, ये दो पार्टी मेन है।
तो ऐसे ऐसे फोन कॉल जाते हैं, उसकी जगह आप लोग अगर किसी गरीबों को मकान बना के दो या कुछ अच्छा कुछ करके जाओ तो कितना अच्छा होता है कि आप लोग अपने मन से दिल से उन लोगों को वोट देंगे। अगर जो भी हो इंडियन वोटिंग सिस्टम का आप लोगों को पसंद आया हो, थोड़ा कॉमेडी लगा हो या सही लगा हो तो शेयर कर देना और लाइक कर देना। तो मिलता अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। भूल हो गए, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तो तब तक के लिए बाय बाय।